हेलो दोस्तों, अब हम सीखेंगे लंब केंद्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिए थे? सबसे पहला वीडियो केंद्र के बारे में था, दूसरा वीडियो हमने कौन सा देखा, दूसरा वीडियो अंतः केंद्र के बारे में देखा, तीसरा वीडियो परिकेंद्र के बारे में देखा, और अब इससे आगे वाला जो वीडियो है इसमें हम लंब केंद्र के बारे में सीखेंगे। चौथा है लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब सीधा सीधा आपके दिमाग में रखना है कि जो शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली वाली भुजा पर क्या करना है, लंब खींचना। क्या करना है, लंब खींचना है। कैसे? मान लीजिए ये त्रिभुज है आपके पास में, ठीक है, ये त्रिभुज है भुजा। ये सबसे पहले तो बिंदु दे देते ए बी सी, तो भुजा ए बी बी सी और ए सी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी। अपने को क्या करना है, शीर्ष लेना है, शीर्ष से सीधा खींचना है, योनि इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से अपने को लंब केंद्र में कोई मतलब नहीं, अपने को लंब केंद्र शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या खींचना है, लंब खींचना है। उसी प्रकार से ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर हमारे को क्या करना है, लंब खींचना। लंब खींचने का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का कोण बनाना है सामने वाली भुजा पर। उसी प्रकार से ये शीर्ष ले लिया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अपने को क्या खींचना है, लंब खींचना है। तो ये सामने वाली भुजा पर हमने क्या खींच लिया, लंब खींच लिया। तो ये जहां तीनों बिंदु, तीनों जो लंब जो काटे गए, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। यानी तीनों शीर्षों से लंब खींचने पर जहां एक दूसरे को सब काटते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। यानी शीर्ष से सामने वाली जो भुजा है उस पर हमने क्या डाला, लंब डाला। लंब डालने पर आगे और क्या लिखना है, लंब का प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर तीनों लंब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। लंब का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र के बारे में आप क्या समझना, आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि शीर्ष दे रखा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हमें लंब डाल देना है। तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर लंब डाल दिया, और जहां पर ये लंब तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं वही हमारा क्या है, लंब केंद्र है। क्या है वो, हमारा लंब केंद्र है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। उसके बाद में तीन तरीके के त्रिभुज होते हैं, एक आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज के बाद में आपके पास दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बाद में आपके पास में होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन तरीके के त्रिभुज आपके पास में होता है। न्यून कोण त्रिभुज यानी जिसमें तीनों कोण कैसे होते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और समकोण में क्या होते हैं, एक कोण कितने डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये तो है समकोण। तीसरा होता है अधिक कोण, ये अधिक कोण, ठीक है, ये क्या है, अधिक कोण यानी एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तीनों अपने पास में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण मिल गए। अब इसमें कहता है लंब समद्विभाजक, यानी ये लंब समद्विभाजक नहीं करना, यहां पर लंब केंद्र का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हमें सिर्फ क्या करना है, लंब डालना। अब हमें यह नहीं देखना है कि ये दोनों समद्विभाजक हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना जब लंब केंद्र निकालना हो, ठीक है। अब इससे इस तरफ लंब डाल दिया, इस तरफ भी लंब डाल दिया, ये तीनों क्या कर दिया हमने, लंब डाल दिया। यानी अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र कहां बनेगा, लंब का केंद्र कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा लंब केंद्र, जब
कौन सा त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो। उसके बाद में देखते हैं समकोण त्रिभुज, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना, तो यहाँ आ जाएगा लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना यानी यहाँ आ जाएगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना यानी यहाँ आ जाएगा। यानी ये कुल मिला के कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ये क्या है, समकोण का शीर्ष है, क्या है, समकोण का शीर्ष। तो त्रिभुज लंब केंद्र का बनेगा, लंब केंद्र का बनेगा समकोण के शीर्ष पर बनेगा। यदि समकोण त्रिभुज है, यदि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो लंब केंद्र समकोण का जो शीर्ष होगा, समकोण जहां पर समकोण बन रहा है उस समकोण का जो शीर्ष होगा उस शीर्ष पर क्या है, लंब केंद्र होगा। कहां पर होगा, समकोण के शीर्ष पर लंब केंद्र होगा। उसके बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखो ये शीर्ष, शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी इसके सामने कुछ सीधी भुजा नहीं, तो अपने को सीधा 90 डिग्री का एंगल में खींच देना है। उसके बाद में इसका 90 डिग्री का होगा, इस भुजा का जो इस तरीके से ये आगे जा रही है, इसका सीधा लंब यानी यहाँ आ जाएगा, ये सीधी जा रही। उसके बाद में ये भुजा देखो, ये वाली भुजा, इसका सीधा लंब यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ जाकर ये तीनों मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, एक बार वापस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये भुजा आगे जा रही, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, ये भुजा आगे जा रही आगे बढ़ा दो, उसके बाद ये भुजा आगे जा रही आगे बढ़ा दो थोड़ा। उसके बाद अपने को देखना यहाँ से 90 डिग्री का बनना चाहिए, यानी एक भुजा तो सीधी ये हो जाएगी, इसके 90 डिग्री यानी ये हो जाएगी। समझ में आ गया, सबसे पहले ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, फिर इसका, इसका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है, और इसका 90 डिग्री का बनेगा यानी यहाँ बन जाएगा। ये तीनों जो है यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और जहां पर ये तीनों के मिलेगी एक दूसरे को काटेगी, यहां पर क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा, क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा, क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि नीचे तक आ जाए, ठीक है। यहां पर ये तीनों क्या हो रही, एक दूसरे से मिल रही है, ये क्या है, अधिकोण है, और यहां पर तीनों से क्या कर दिया हमने, रेखाओं से लंब की दिया, यहां पर मिल रही है, और ये कौन सा है, अधिकोण त्रिभुज है। तो अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है, लंब केंद्र कहां होता है, त्रिभुज से बाहर होता है, कहां होता है, त्रिभुज से बाहर होता है, कहां होता है, त्रिभुज से बाहर होता है। जब अधिकोण त्रिभुज हो, अधिकोण जब त्रिभुज होगा तब लंब केंद्र त्रिभुज से कहां होगा, बाहर होगा। तो यहां पर क्या समझ में आया आपको, तीन तरीके के त्रिभुज है, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा, समकोण है तो समकोण के शीर्ष पर होगा, और अधिकोण है तो त्रिभुज के बाहर होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।